खरगोन पीजी कॉलेज में स्थापित ईवीएम स्ट्रांग रूम में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर फाइटर की टीम मौके पर पहुंची। आग किन कारणों से लगी है अभी ज्ञात नहीं हो पाया है। आग लगने की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर अनुग्रह पी, एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान सहित खरगोन से कांग्रेस विधायक रवि जोशी और कांग्रेस के लोक प्रत्याशी रहे गोविंद मुजालदा भी मौके पर पहुंच गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सोची समझी साजिश के तहत आग लगाई गई है। कांग्रेसी विधायक रवि जोशी ने कहा कि लोकसभा में कांग्रेस जीती हुई थी और हमारी कोर्ट में पेटिशन भी लगी हुई है, उसको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। वहीं जिला कलेक्टर अनुग्रह पी ने कहा कि इस मामले की तत्काल जांच करवाई जा रही है, किन कारणों से आग लगी है, साथ ही इसकी सूचना राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग दिल्ली को भी भेजी जा रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता के साथ अजय तिवारी की रिपोर्ट। प्रथम दृष्टया जो है ये लग रहा है जले हैं, मशीन का जो है कोई नुकसान नहीं दिख रहा है, इसके ऊपर जो है सूट जो है वो डिपॉजिट हुआ है। इसका हम जांच दल एडीएम की अध्यक्षता में बना रहे, जो उनकी जांच रिपोर्ट आज शाम को ही जमा करेगी। इसकी सूचना जो है हम राज्य शासन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेंगे। आग लगाई गई या लगी है इसकी जांच होना चाहिए। देखिए हमारा टीम है सीसीटीवी है, हम पूरा जो है चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कितनी ईवीएम मशीन थी इसके अंदर? ये पूरा खरगोन विधानसभा की मशीन से, जिस प्रकार से यहाँ पर जो है बिजली कनेक्शन नहीं था, उसके बाद में बैटरियाँ भी निकाल दी गई थी, उसके बाद अचानक आग लगी, उसके पीछे क्या कारण? बाहर जैसे आप भी देख सकते हैं वहाँ जो है एक बोर्ड जो है, जो बाहर की बोर्ड भी जले हैं, तो वो कैसे जले हैं वो टीम जांच करने के बाद ही जो है पता चलेगी। कहीं ना कहीं आग का कारण शॉर्ट सर्किट से किस कारण से हो सकता है ये ना मालूम आ रहे, उनका जांच के बाद ही जो है क्लियर होगी। वही है जांच दल जो है हम गठित करा रहे हैं ना, उसमें ये ना माले हैं, इलेक्ट्रिकल जो टीम है वो लोग है वो करेंगे। आपने कुछ मशीनें बाहर निकलवाई, चेक भी किए, क्या दिखा? नहीं, उसके अंदर मशीन को जो है कोई नुकसान नहीं दिख रहा है, वो अभी सिर्फ ऊपर की जो है सूट डिपॉजिट हुआ है बस। आप उम्मीदवार थे यहाँ पर, किस प्रकार का आरोप है? मुझे सवेरे मालूम पड़ा, करीब अभी 1 बजे के आसपास, 12:30 के आसपास खबर आई कि कहीं कॉलेज में जो स्ट्रांग रूम है 185 नंबर में, उसमें कहीं आग लग गई, धुआं उठते हुए देखा किसी गार्ड ने, मेरे को खबर मिली तो मैं जैसे ही आगे देखा मैंने, तो अंदर से धुआं निकल रहा था और पूरा जो जाले चिपके हुए थे सब काले पड़े हुए थे। आके दरवाजे खुलवाए एसडीएम साहब की उपस्थिति में, एसडीएम और एडिशनल कलेक्टर साहब की उपस्थिति में, अंदर तो जाने के संभव नहीं, जा ही नहीं पा रहे हैं, पूरा धुआं भरा पड़ा है, आंखों में जलन आ रही है, और ये किस तरह का कोई केमिकल है समझ में नहीं आया कि क्या है ये। लेकिन एक व्यक्ति हमारा कांस्टेबल अंदर गया था, उसका जूता भी नीचे से जल गया, तो उसका हील जल गया, वो पड़ा उधर होके, तो ये कंडीशन है। मतलब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, जब बैटरी निकाली जा चुकी है तो ये एसिड आया कहाँ से, ये एक जांच का विषय है। और जब लाइट कटी हुई थी तो शॉर्ट सर्किट का भी संभावना नहीं दिखती है कि लाइट कटी है, तो उसका भी जांच की एक आवश्यकता है। और इसके अलावा भी यदि कोई कारण बनता है तो पूरी उचित जांच करें और उस कारण का खुलासा करें, तो बहुत हमारा केस चल रहा है कोर्ट में। तो आप किस तरीके की जांच की मांग कर रहे हैं? जांच यही मांग करें कि आखिर कारण क्या है, किसकी गलती है, कहाँ से ये हुआ है, आग लगी है, क्योंकि आग लगी कि लगाई गई इसके बारे में जांच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऑटोमेटिक लग गया, इतनी दिन से नहीं हुआ, इतनी गर्मी गई तब नहीं हुआ, तो इस बारिश में, इस टाइम में, अभी इतनी गर्मी तो है नहीं, इस टाइम भी क्यों हुआ ऐसा, इसके बारे में कुछ तो जांच के होना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई इन लोगों से और उसी कारण ये हुआ है। कोर्ट में केस भी चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है अभी, और उसमें हो सकता है कि कोई जानकारी मांगी हो और उसके उपलब्ध करवाने में असमर्थता जो भी हो, तो उचित जाँच चाहिए और कारणों का खुलासा हो, तभी जाके थोड़ा होगा। मैं डॉक्टर गोविंद मुजालदा प्रत्याशी रहा हूँ, मैं खरगोन से, खरगोन बड़वानी में लोकसभा। मेरे को तो शंका है कि 185 विधानसभा क्षेत्र खरगोन, जिसका मैं विधायक हूँ, और लोकसभा चुनाव का परिणाम का रिजल्ट, जो पिटीशन हमने लगा रखी, उस पिटीशन स्ट्रांग रूम में आग लगना, ऐसा प्रतीत होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार प्रशासन में बैठे हुए लोग मिलकर ये जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को नष्ट करना चाहते हैं, प्रभावित करना चाहते हैं, ताकि हमारा लोकसभा चुनाव का जो परिणाम था कांग्रेस पार्टी के पक्ष में था, उसको चुनौती हमने दे रखी है, उसको खत्म करके ये नष्ट करना चाहिए। किस प्रकार की जांच की मांग कर रहे हैं? मैं तो कहता हूँ इस पर एक निष्पक्ष जांच होना चाहिए, दोषी लोगों को सजा मिलना चाहिए,
और कांग्रेस पार्टी की जो पिटीशन है वो प्रभावित नहीं होना। स्ट्रांग रूम में जब बिजली नहीं थी, बिजली कनेक्शन काटे गए, फिर आके मैं ये इसी चीज़ की शंका उत्पन्न होती कि जब स्ट्रांग रूम के अंदर विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर दिए गए, विच्छेद कनेक्शन के बाद अगर कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट है तो निश्चित ही धोखाधड़ी हुई है और कोई ना कोई साजिश रची गई है। उस साजिश का ही परिणाम है कि ये कांग्रेस पार्टी के जो रिजल्ट प्रभावित करने का तरीका उनको लगा कि इस तरीके से किया जाना चाहिए, तो वो कर रहे हैं। और हम मांग करते हैं ये चुनाव आयोग से कि इस पर निष्पक्ष जांच करके दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई सजा देना चाहिए। चुनाव के दौरान एक्सपर्ट अभी पहुंचे नहीं है, क्या लगता है कि ईवीएम एक्सपर्ट के आ जाने के बाद में किसी तरीके की राय बनेगी या किसी तरीके की? बिल्कुल बिल्कुल, एक निष्पक्ष जाँच की हम मांग कर रहे हैं, चुनाव आयोग अपनी निष्पक्ष जाँच कराए। चुनाव के दौरान आपने एक दिन का धरना भी दिया था इसी मामले को? अरे चुनाव के दौरान हमने एक दिन का धरना दिया था, लेकिन ये परिणाम अगर प्रभावित कर रहे हैं, परिणामों को मिटाने की कुछ साजिश है, तो हम एक दिन का नहीं एक वर्ष भी धरना देना पड़ा तो धरना देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।